पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत थाना अशोक विहार पुलिस की टीम ने 36 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाया है और इस हत्या में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला अशोक विहार थाने का है। दरअसल कुछ दिनों पहले फिरोज नाम के युवक की लाश रोड पर संदिग्ध हालात में मिली थी। लाश मिलने के बाद ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने मृतक फिरोज के दोस्त से पूछताछ की तो पता चला कि फिरोज चोरी करने के लिए अपने दोस्त के साथ गया था, मगर चोरी करने गए जगह पर सब लोग जग गए, जिसकी वजह से फिरोज और उसके दोस्त वहां से भागने लगे। भागते समय फिरोज का पैर फिसल गया और वो वहीं गिर गया, जिसके बाद मकान मालिक, किराएदार और पड़ोसी ने उसकी इस कदर पिटाई की कि उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने फिरोज को मरा समझकर रोड पर ही फेंक दिया। पुलिस ने अपनी चतुराई से कुछ ही घंटों में पिटाई करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतक फिरोज के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं जी कि हमारे लड़के के साथ इंसाफी हो। हाँ, और हमारे जो हमारा लड़का था, हमारे सहारा था माँ का, और वो हमारा सहारा छीन लिया। हमारा परिवार जो है ये 80% है, उसका ये फेफड़ा नहीं है। हम भी बीमार रहता हूँ, हमारा कोई कमाने वाला नहीं रह गया है। और वो शाम को लड़का जो है गया काम पे 9-10 बजे टैंकर खाली माल उतारने। अभी कहाँ जाता है लड़का, कहाँ नहीं जाता, वो तो दोस्तों उसी पता था। अब और बेसम हमें क्या बताऊँ सर। अब फिरोज के एक दोस्त ने बताया कि फिरोज चोरी करने के लिए वहाँ गया था, क्या अभी सर आपको पता था? नहीं सर, ये तो हमें पता नहीं, उसको वही उसके दोस्त से जाने का हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं जी। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस ने 5 को पकड़ लिया है, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो पुलिस वाले हैं या भी हमारी दिल्ली पुलिस है, मैं उनके यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वह गरीबी का साथ दें और हमारे साथ इंसाफी करवाएं। इस मामले में ACP अशोक विहार के SN सुबुदी के नेतृत्व में SHO अशोक विहार और वजीरपुर चौकी इंचार्ज नरेंद्र शर्मा की टीम ने कुछ ही घंटों में ये केस सुलझाया है। अब इस केस के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुण ठाकुर के साथ शहजादा हाशमी की रिपोर्ट, दिल्ली।